आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अबनी नाथ मुखर्जी को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जून 1891 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। महाविद्यालय में पढ़ाई के समय ही अबनी भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध चलाए जा रहे क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित हुए। पढ़ाई पूरी करने के उपरांत अबनी ने भारत छोड़ दिया और विदेश में रह रहे भारतीय क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। उन्होंने जर्मनी और जापान में धन और हथियार एकत्र करने का कार्य संभाला और उसे भारतीय धरती पर उपनिवेशवाद का विरोध करने वाले क्रांतिकारियों तक पहुंचाना आरंभ कर दिया। 1912 में अबनी मुखर्जी भारत आ गए और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी संगठन में शामिल होकर देश सेवा का कार्य जारी रखा। जापान से लौटते समय अंग्रेजों ने उन्हें सिंगापुर में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अबनी यूरोप जाने में सफल रहे और सुरेनकार भूपेंद्रनाथ दत्त और मोहम्मद बरकतुल्लाह जैसे कॉमरेड की सहायता से बर्लिन में 1922 में इंडियन इंडिपेंडेंस पार्टी स्थापित की। उन्होंने गुप्त रूप से चेन्नई, कोलकाता और ढाका की यात्रा भी की और 1924 तक भारत में रहे। बाद में वो सक्रिय क्रांतिकारी राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए और सोवियत संघ चले गए और वहाँ साहित्यिक कार्य में संलग्न हो गए। 28 अक्टूबर 1937 को अबनी का निधन हो गया। इस महान भारतीय को हमारा नमन।